वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले रविवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मिल्टन पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई वार्ता के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने आरटीआई एक्ट 2009 का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने की बात की। साथ ही 30 सितंबर को संवाद के माध्यम से इस मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात पर जोर दिया। शुक्रवार को वॉइस ऑफ आगरा स्कूल एसोसिएशन आगरा द्वारा न्यूज़लाइन भारत अवधपुरी आगरा में आरटीआई एक्ट 2009 के संबंध में, जिसमें जो बच्चे वास्तविक इस योजना के लाभकारी हैं उन्हें इसका लाभ ना देकर अन्य बच्चों को लाभ मिल रहा है और यह सब प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से है, इसकी बात पर प्रकाश डालते हुए आवाज़ बुलंद कर न्याय की बात कही तथा स्कूलों की बढ़ती हुई परेशानियों के संबंध में और अधिकारियों द्वारा वित्तविहीन विद्यालय की समस्या को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नज़रअंदाज करने के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बोसा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुँचाने की बात पर जोर दिया। तत्वाधान में कल यूथ हॉस्टल में विद्यालय निजी विद्यालयों के सम्मान में, विद्यालय सुरक्षा के सम्मान में एवं शिक्षा का अधिकार कानून के संबंध में एक हमने संवाद कार्यक्रम रखा है, जिसमें सभी विद्यालय प्रबंधक प्रतिनिधि एवं प्रधानाचार्यों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम को रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो आज शिक्षा का अधिकार जिन बच्चों को मिलना चाहिए, हमारी सरकार देश की बहुत प्रयास कर रही है कि बच्चों को, उचित बच्चों को जो उसके हकदार हैं वास्तव में, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, लेकिन जिले स्तर पर जो प्रशासन की कार्रवाइयाँ होती हैं उनमें उन बच्चों तक जो लाभ पहुँचना चाहिए वो नहीं पहुँच पा रहा है। लॉटरी के माध्यम से बाबुओं की मिली भगत से उनमें भी हेराफेरी बहुत हो रही है, क्योंकि ऐसे सभी विद्यालयों से एक एक दो शिकायतें आई हैं कि जिन लोगों को सक्षम लोग जो हैं वो भी आरटी के थ्रू बच्चे पढ़ा रहे हैं और ऐसे मौक़ों पर जो असक्षम लोग हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा है पढ़ने का। तो हमें इस बात का बड़ा खेद है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के हमारे माननीय योगीनाथ जी, सभी लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, इतने नियम सख्त कर रहे हैं, इतनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन इस क्षेत्र में कोई भी कार्रवाई सार्थक नहीं हो पा रही है। इसलिए वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि बच्चों को उनका अधिकार दिलाएंगे हम और जो उचित शिक्षा जिनको चाहिए, जो उसके हकदार हैं वास्तव में, उनके लड़ेंगे। वहीं इस मौके पर मौजूद रहे आगरा शहर अध्यक्ष संदेश शर्मा तथा अन्य बोसा पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जिन्होंने संस्था के हाथों को मजबूती प्रदान कराने को लेकर संवाद कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराने की मांग की। कल वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें आगरा के समस्त स्कूलों को आमंत्रण किया गया है और आप लोगों के माध्यम से मैं आमंत्रण भी करना चाहता हूँ कि आप सब लोग आएँ और एकत्र हों, आप लोगों के स्कूलों की समस्या आप हमें बताएँ, जिससे कि आपकी समस्या हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुँचाने का प्रयास करें। साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो काफ़ी लोगों को परेशान करते हैं, जैसे कि आरटीई का मुद्दा है। आरटीई के मुद्दे पे आज से 3 साल या 4 साल पहले से, कोविड के पहले से आरटीई में आज तक अमाउंट क्लियर नहीं हुआ है प्रशासन की तरफ से, और रोज़ आरटीई के हर साल 10 बच्चों का एडमिशन का एक लिस्ट और आ जाती है। कम से कम जो बकाया पैसा है स्कूलों का ही नहीं, पेरेंट्सों को भी जो एक शुल्क दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जा पा रहा, तो कृपया करके इस चीज़ पे भी हम एक विषय पे बैठक रखेंगे। कल एक बड़ी बैठक है जिसमें समस्त स्कूल आएंगे, जो वॉइस ऑफ स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, 68 स्कूल करीब जुड़े हुए हैं, तो सभी लोग आमंत्रण है आप सभी का, जिसमें बोसा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राहुल राज ने कहा कि संबंध में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन कल 30 सितंबर को दिन शनिवार को यूथ हॉस्टल संजय प्लेस आगरा में समय दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक किया जा रहा है, जिसमें बोसा से जुड़े विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा मैनेजर और संरक्षक गण सदस्य उपस्थित रहेंगे। इस संबंध में जल्द ही एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम भेजा जाएगा और वित्त विहीन विद्यालयों की समस्या से अवगत कराया जाएगा।